नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और कविता बोल पर आपका स्वागत है। हम सब ये जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की क्या हालत चल रही है और कुछ समय से नीट, यूपीएससी और तमाम तरह की सरकारी परीक्षाएं जिन पर हमारे देश के युवा ज्यादातर नौकरियों के लिए निर्भर होते थे। जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर और बाकी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलने वाली कुछ नौकरियों के अलावा सरकारी नौकरियां हमारे देश में नौकरी पाने का बहुत बड़ा स्रोत रही है। लोग लंबे समय तक तैयारियां करते हैं, बहुत हद तक सरकार पर निर्भर होते हैं। हमने इस सिलसिले में ये भी देखा कि किस तरीके से कुछ परीक्षाओं में कई स्तर की धांधलियां पाई गईं, उनमें से कुछ चीजें अभी भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। कविता बोल पर इस हफ्ते हम जो कविता पढ़ रहे हैं उसमें हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कविता लिखा है भाई पराग पावन जी ने। बेरोजगारी नाम से तकरीबन 30 कविताओं की एक पूरी श्रृंखला लिखी है, जिसमें से हम आज आपके लिए 19, 20 और 21वीं कविताएं पढ़ रहे हैं। बाकी पूरी श्रृंखला अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको रचनाएं पसंद आती हैं पराग भाई की, तो आप उनके फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर वो कविताएं पढ़ सकते हैं। मैं उनके फेसबुक प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहरहाल, बेरोजगारी के मसले पर पराग पावन जी ने जो कविता लिखी है वो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। क्या बेरोजगारी में आपको मां की याद आती है और बचपन की और उन दोस्तों की जो फटी जेब के सिक्कों की तरह कहीं गिर गए? वे स्त्रियां याद आती हैं जो निमंत्रण की तरह आई थी और त्योहारों की तरह चली गईं, जिनकी आवाज में कांस के फूल झूमते थे। क्या बेरोजगारी में आप भी कोई भी शब्द उठाकर पत्थर में बदल देते हैं? इतनी परीक्षाएं देते थे बेरोजगार, क्या उनका जन्म सिर्फ परीक्षाओं के लिए हुआ था? कागज के बाहर तक की असंख्य परीक्षाएं, वे किसी से हाथ मिलाते हुए भी हल करते थे कितने सारे सवाल जिनके जवाब किसी कुंजी में नहीं थे। जो उत्तर दे सकते थे वही लुटेरे थे उत्तर पुस्तिकाओं के। नौकरियों में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या थी ये बताते हुए भाषा अपने हाथ खड़े कर देती, और फर्जी डिग्रियों के बारे में क्या कहना, वो तो हत्यारों के पास भी थी। कभी कभी मिलने आते ताकत के दलाल, कहते कि एक मामूली समझदारी और समझौते से खत्म हो सकती है तुम्हारी बेरोजगारी। वे बताते थे कि शक्ति के समीकरणों में हम कहां थे और कहां हो सकते थे मात्र एक अल्पकालिक वैचारिक समर्पण से। पर जाने क्या उगता था हमारे खेतों में कि हमारी जांघें अकड़ती थीं और ताकत की सबसे महंगी मिठाई पर हम थूक थूक देते थे। शुक्रिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करें, उनके साथ शेयर करें। अगर हमारे लिए आपका कोई सुझाव है या आपकी कोई फरमाइश है तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप खुद भी कविताएं लिखते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर या फेसबुक या इंस्टाग्राम के मैसेज इनबॉक्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिएगा।